हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी जिसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में प्राइम नंबर। इसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स। ठीक, इसके बाद यानी किसी भी संख्या का यानी गुणनखंड किस प्रकार किया जाएगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर बोल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद गुणनखंड ब्रिज क्या, गुणनखंड ब्रिज से यानी किसी कोई नंबर्स दिया रहेगा उसका हम लोग क्या बनाएंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और फैक्टर ट्री क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स होता क्या है। देखिए, प्राइम नंबर्स उसे बोलते हैं यानी वन को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से क्या हो, डिविजिबल ना हो, यानी स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएँ जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्याओं से क्या हो, विभाजित नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। यानी अगर मैं कोई भी संख्या अगर मैं लिखता हूँ, यानी वन को आप छोड़ देना और क्या हो, स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी डिवाइड हो, यानी टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। अगर मैं फोर की बात करूँ तो फोर क्या होगा, टू से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है? इसी पर यानी फाइव होगा, सिक्स नहीं होगा, थ्री से डिविजिबल होगा, टू से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अगर मैं सेवन की बात करूँ, सेवन होगा, इसके बाद नाइन, थ्री से डिविजिबल होगा। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं टेंथ भी नहीं होगा, इलेवन होगा, ट्वेल्व नहीं होगा, थर्टीन, इसके बाद फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, यानी नाइनटीन होगा, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब देखिए, इसमें वन को छोड़कर देखिए इसमें जितनी भी संख्याएँ हैं ये क्या हो रही हैं, ये स्वयं से क्या होंगी, विभाजित होंगी, अन्य किसी भी संख्याओं से क्या होंगी, विभाजित नहीं होंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी प्राइम नंबर हम किसे बोल सकते हैं, यानी वह संख्या जो स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, वन को हमें सम्मिलित नहीं करना, यानी वन को छोड़कर, यानी वन को छोड़कर अन्य संख्याएं जो स्वयं से क्या हों, डिवाइड हों, यानी विभाजित हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब इसी प्रकार भाज्य संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं सिंपल डिफिनीशन समझिए, इसमें जो भी संख्या यानी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएँ बचती हों, सारी की सारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, वन के अतिरिक्त लेना है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त यानी स्वयं से विभाजित, देखिए स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी क्या हो, विभाजित हो, वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। और मैंने सिंपल डिफिनेशन क्या बताया, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएँ बचेंगी वो सारी की सारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे अगर मैं लेता हूँ, जैसे देखिए इसमें वन छोड़ना है, टू थ्री छूटेगा, क्या बच रहा है, फोर बच रहा है, इसके बाद फाइव भी छूटेगा, इसके बाद सिक्स होगा, इसके बाद एट, नाइन, टेन, एलेवन नहीं होगा, ठीक है, ट्वेल्व होगा। अब देखिए, फोर से भी ये क्या होगा, ट्वेल्व डिविजिबल होगा, एट भी हो जाएगा, सिक्स जो होगा ट्वेल्व से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स को आप छोड़ दीजिए, जितनी भी संख्याएँ बच रही हैं वो सारी के सारी क्या होंगी, एक प्राइम नंबर्स होगा, एक कंपोजिट नंबर्स होगा। तो हम प्राइम नंबर्स किसे बोलेंगे, वह संख्या जो स्वयं से डिविजिबल हो वन को छोड़कर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। यानी कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे,
यानी प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कंपोजिट नंबर। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है यानी किसी संख्या का गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए समझते हैं किसी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर ऑफ नंबर। देखिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, यानी शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो हम विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे यानी गुणनखंड बोलेंगे। यानी हम अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे अगर मैं 10 का गुणनखंड लिखूं, ध्यान देना 10 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 10 का गुणनखंड यानी 1 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसी प्रकार 2 भी हो सकता है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 यानी 3 के टेबल में तो 10 आएगा नहीं, चलिए इसके बाद 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है? यानी इसी प्रकार अगर मैं 20 का गुणनखंड लिखना चाहूँ, 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 3, 4 हो सकता है। यानी आप इसमें डिवाइड करिए और डिवाइड करने पर अगर संख्या कटती है तो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को क्या करती है, पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, यानी उसका शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं विभाजित करने वाली जो संख्या होगी, विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या होती है, एक गुणनखंड होती है यानी फैक्टर्स होता है। यानी 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, चलिए 5, 6 नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, 7, 8, 9 एंड 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? यानी 20 का यानी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा। तो गुणनखंड हम इस प्रकार कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का। तो आइए हम समझते हैं फैक्टर ट्री क्या होते हैं। गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे हम किस रूप में दर्शाएं, वृक्ष के रूप में लिखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी फैक्टर ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। यानी कोई भी अगर संख्या है उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी फैक्टर के फॉर्म में। और उसका हम कैसे करेंगे, यानी उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो गुणनखंड वृक्ष का सबसे पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यानी 20, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20। अब ध्यान देना इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यानी फैक्टर करना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग ट्री बनाते हैं। अब ध्यान देना इसको क्या करूँगा, मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा कितना, आप इसी प्रकार फैक्टर बना देते जाएंगे, यहाँ 10 मिल गया। अब मैं फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, यानी 5, ठीक है। अब मैं ये देखिए, ये क्या है, एक प्राइम नंबर्स है। जब भी आपका अगर प्राइम नंबर्स आ जाता है तो आप वहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अगर मैं फैक्टर ट्री का अगर मैं गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखूं तो 2 × 2 × कितना, 5, ठीक है। इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू कितना, 5 की पावर 1, क्योंकि 5 एक ही बार आया है। और इसमें देखिए यानी घातांक का नियम होता है, यदि संख्याएं अगर सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसी प्रकार अगर मैं कोई संख्या और लूं, जैसे मान लेते हैं 48 है, अब इसको आप रिप्रेजेंट करिए, सबसे पहले 2 से डिविजिबल करिए तो कितना मिलेगा, यानी 2 का टेबल पढ़िए, 2 जा कितना, 4, और 2 जा कितना होगा, 8 होगा। चलिए अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। चलिए अब 12 को डिवाइड करिए 2 से, 2
सिक्स जा कितना होगा, 12 होगा। अब इसी प्रकार हम 6 को यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, यानी 2 3 जा कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है? अगर मैं 48 को मैं अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखूं तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, यानी 2 टाइम्स कितना आया हुआ है, 2 2 2 2 और इनटू कितना, 3। अब देखिए मुझे अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या करना, व्यक्त करना है, यानी पावर्स के फॉर्म में 2, यानी ये कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितना लिखूंगा, 4 इनटू कितना, 3 की पावर 1। तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से यानी हम समझते हैं कि फैक्टर टी किस प्रकार बनाया जाएगा। गुणनखंड वृक्ष की सहायता से यानी 4095 के गुणनखंड करना है, यानी हमें क्या बनाना है, फैक्टर ट्री, यानी 4095 का। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं 4095 को, एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, यानी पार्टीशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कितना है, 5 है, तो आप 3 से करिए, ठीक है, 3 से करिए। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 का जब मैं टेबल पढ़ूँगा तो यानी 3 बन जाए कितना, 3 ही होगा, यहाँ कितना 10 बचा, यानी 3 का टेबल 3 यानी 9, और यहाँ पे कितना 19 हो जाएगा, यानी 6, और फिर कितना 5, यानी 1365 आया। अब ध्यान देना बच्चों, हम अगेन हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, यानी 3 का टेबल पढ़िए, 3 का जब टेबल पढ़ेंगे यानी 4 बार होगा, यानी 12 होगा, तो कितना आएगा, 4। अब यहाँ 1 कैरी बचा, यानी कितना, 16 हुआ। अब 3 का यानी 15 होगा। अब इसके बाद 1 बचा, यानी 15, यानी 3 का यानी 15, यानी 5। अब हमें अगेन क्या बनाना है, ट्री बनाना है। यहाँ पे देखिए आप, अब हम अगेन 3 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं, 4 से भी नहीं होगा। अब आप क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 का यानी 9 बार होगा, फिर कितना, 1। अब इसके बाद हम 6 से डिवाइड करें, अब 5 से नहीं होगा। अब 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 का टेबल पढ़िए, 7 का जब मैं टेबल पढ़ूंगा तो कितना मिलेगा, 7 बन जा 7। इसके बाद यहाँ कितना बचा, यानी 2 बचा, यानी 21 हुआ। अब 7 का टेबल 21 यानी 3 बार होगा। तो अब मैं 13 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर्स है, 5 भी, 3 भी, 3 भी। अब इन्हें हमें क्या करना है, यानी 40 95, यानी 4095 को हमें एक फैक्टर के फॉर्म में क्या करना है, व्यक्त करना। इसको मैं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यानी 3 लिखूंगा इनटू, फिर कितना, 3 लिखूंगा इनटू 5 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 5 इनटू 7 इनटू 13। अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 जो है 2 बार ही है, यानी 3 की पावर 2, इसके बाद 5 की पावर 1 होगा, 7 की पावर भी 1 होगा, एंड 13 की पावर भी क्या होगा, 1 होगा। तो यानी मैंने 40 95 को एक अभाज्य संख्या के रूप में हमने क्या किया, प्रदर्शित किया, और हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने यानी गुणनखंड वृक्ष की सहायता से हमने ये ज्ञात किया। आपको क्वेश्चन में जब भी गुणनखंड वृक्ष बोलेगा तो आप इस प्रकार गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। और गुणनखंड वृक्ष की सहायता से यानी हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स,
इसको हम समझते हैं कि ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो हम बोल सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती हैं, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, यानी प्राइम नंबर्स जो स्वयं से क्या होती हैं, डिविजिबल्स होती हैं वन को छोड़कर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी प्राइम संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होगा। यानी जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो संख्या यूनिक, ध्यान देना, यहाँ मैंने लिखा भी था भाज्य संख्या जो है या मिश्रित संख्या बोल सकते हैं, ये संख्याओं के गुणनखंड के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, भाज्य बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मैंने 10 लिया, ठीक है, ये 10 क्या है बताइए, भाज्य है कि अभाज्य है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक बोला था, ये मैंने क्या लिखा था, भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे अगर मैं कोई संख्या यानी नंबर्स 10 लिया, तो मैं इसका मैं फैक्टर करूँगा, यानी 2 × 5 होगा। अब देखिए 2 जो है एक ही बार आया है, यानी 2 क्या है, एक ही बार आया है, इसका कोई इमेज नहीं बनेगा, यानी 2 ही होगा। और यहाँ देखिए 5 आया है, एक ही बार आया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओनली वन ही नंबर्स होगा, यानी यूनिक नंबर्स होंगे, क्लियर है। अब जैसे मैं अगर मैं 20 की अगर बात करूं, ये कोई कंपोजिट नंबर है, मैं अगर इसका फैक्टर करता हूं तो ये कितना होगा, ये होगा 2 × 2 × 5। अब देखिए मैं इसको इस तरह मैं व्यक्त कर सकता हूं, ठीक है, अब बताइए 2 एक ही बार है और 5 भी क्या है, एक ही बार है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को अगर मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर मैं व्यक्त करता हूँ, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इसको हम लोग बोलेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मैंने लिख लिया संख्या यानी 1470 को हमें किस में व्यक्त करना है, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, क्लियर है। यानी ये कोई कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में। ध्यान देना बच्चों, अब ये 1470 है। अब इसका हम ध्यान देना, जिस प्रकार हमने वर्गमूल और घनमूल का हम फैक्टर किए थे वहाँ पे, यानी कक्षा 8 की 8वीं क्लास में, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और ये कितना होगा, यानी 3, फिर 5। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, यानी ये कितना आएगा, 4, इसके बाद 15। अब ये संख्या आप किससे डिवाइड करेंगे, यानी 3 से तो होगा नहीं, अब 5 से डिवाइड करिए, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, 4 और फिर 9। इसके बाद मैं ये संख्या 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 मिलेगा, फिर कितना, 1 मिल जाएगा। अब ध्यान देना, यानी ये 4070 जो है 2 × 3 × 5 × 7 × 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7 की पावर 2। अब देखिए ये आपका संख्या क्या हुई, यानी ये कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये सब क्या है, यानी प्राइम नंबर के क्या हैं,
प्राइम नंबर्स की क्या है, फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यानी भाज्य संख्या जो होगी या मिश्रित संख्या जो होगी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की क्या होगी, बराबर होगी। यदि अगर बराबर होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, और उसके बाद हमने सीखा फैक्टर ट्री किस प्रकार बनाते हैं, यदि कोई कंपोजिट नंबर दिया हो उसका फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में सीखा। इसमें क्या हमने बताया आपको, यानी कोई कंपोजिट नंबर जो होगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। क्लियर है? तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।